हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी मेड इजी। आज हम कॉम्पिटिटिव लीनियर स्केल का एक और टाइप सीखेंगे एंड प्रोबेबली ये ही लास्ट टाइप होगा। अभी इसका नाम है रेवोल्यूशन स्केल। मैं इधर एक एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, ये अगर एक बाईसाइकिल हो, बाईसाइकिल का व्हील हो, तो क्या होता है, ये जब एक रोड पे मतलब मूव करता है, तो अगर इसका रेडियस हमको पता है और उस रेडियस की मदद से अगर हम इसका सर्कमफेरेंस निकाल ले, तो ये कितना रेवोल्यूशन में, ठीक है ना, इसका कितना रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस तक जाएगा, ये हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कैलकुलेशन के द्वारा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन स्केल। तो मैंने क्या बोला, कितना दूर जा सकता है, और मतलब एक तो हो गया डिस्टेंस हमारा और एक हो गया हमारा रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यही हमारा कैलकुलेशन होगा। और ये दो चीज़, मतलब एक है डिस्टेंस और एक होगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, यही हमें जो स्केल में दिखाना है उसको रिवोल्यूशन स्केल बोलते हैं। आइए देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एक डिटेल, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ऑन ए लेवल ग्राउंड डायरेक्ट डिस्टेंसेस कैन इजीली बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो इजीली बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द रेवोल्यूशंस ऑफ द व्हील, जो व्हील का रेवोल्यूशन है उसका इजीली डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफ द नोन रेडियस, ऑब्वियसली अगर रेडियस पता नहीं है तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। और फिर बाईसाइकिल और ए कार्ट, ओके, व्हाई इट इज़ शोन एज बाईसाइकिल और कार्ट नॉट द टू व्हील फोर व्हीलर्स, मतलब ये फोर व्हीलर्स को क्यों नहीं बोल रहे, कार्ट क्यों बोल रहे, क्योंकि ये रेवोल्यूशन स्केल ना कैडेस्ट्रल मैप्स में, जो गाँव इलाका में जो मैप होता है उसमें ये सब काम आता है सर्वे में। तो ये देखिए, अगर मतलब ग्राउंड डिस्टेंस को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, व्हील का जो सर्कमफेरेंस होगा, ये टोटल व्हील का जो सर्कमफेरेंस है वो, एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, कितने बार इसको इसका मूव कर रहा है उसका रेवोल्यूशन, ठीक है। अभी देखिए, द रेवोल्यूशन स्केल शोज डिस्टेंस ऑन द वन साइड एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑन द अदर। एक साइड में एक ऊपर दिखाएगा, इसका डिस्टेंस दिखाएगा स्केल में, और एक दिखाएगा रेवोल्यूशन दिखाएगा। नाउ इट इज़ आल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ टाइम स्केल, ये टाइम स्केल का ही एक टाइप है, टाइम स्केल हमने पहले ही देख लिया था। अभी एक क्वेश्चन मैं रखा हूँ यहाँ पे, ड्रॉ ए कॉम्परेटिव स्केल एंड रेवोल्यूशन ऑफ ए बाईसाइकिल व्हील ऑन ए कैडेस्ट्रल मैप विथ RF 1:4000, द रेडियस ऑफ द व्हील इज 31.83 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेशन करते हैं, सो 4000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड रिप्रेजेंट्स 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, 1 सेंटीमीटर ऑन, सॉरी 1 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये हम लोग ऐसे कर देते हैं, नहीं सेंटीमीटर ही होगा, मतलब ये कन्वर्ट कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटिंग 1, ये यहाँ पे कर देते हैं ऐसा कि 100 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, 1 डिवाइडेड बाई 4000, यहाँ पे 4000 सेंटीमीटर और इधर 100 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो क्या हो गया, ये दो दो कट गया, तो मतलब नहीं कटने से भी रहेगा अगर ऐसे ही छोड़ दे, 4000 बाई 100 ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, तो 1 मीटर ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंटिंग 100 बाय, उल्टा हो गया, 4000 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, ये 1 मीटर
हो गया। तो अगर मैं 50 मीटर तक ले लूँ जो डिस्टेंस होगा, मतलब देखिए ये ग्राउंड डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, तो ये ग्राउंड डिस्टेंस मैंने 50 मीटर ले लिया, तो 100/4000 × 50। अभी अगर इससे करेंगे 2 इधर चला गया, इधर चला गया, 5/4 मतलब 1.25 सेंटीमीटर। अभी सरकमफेरेंस, ये तो एक हमारा निकल गया ग्राउंड डिस्टेंस स्केल का ऑफ द व्हील, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2πr, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। सो 2 × 3.14 × रेडियस है 1 पॉइंट, आई मीन रेडियस दिया हुआ है 31.83, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.3.14 × 31.83, तो 199.924 आ रहा है। 200 ले लेते हैं, ठीक है, 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर। अभी ये एक हो गया, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो हमें चाहिए, एक साइड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि ग्राउंड डिस्टेंस इक्वल टू सर्कमफेरेंस इंटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल टू ग्राउंड डिस्टेंस डिवाइड बाई सर्कमफेरेंस। ग्राउंड डिस्टेंस कितना था, 50 था, और सर्कमफेरेंस कितना, 2 मीटर, मतलब 25 रेवोल्यूशन हो गया। अभी नंबर ऑफ सेकेंडरी डिविजन्स, नंबर ऑफ सेकेंडरी डिविजन्स में अगर एक रेवोल्यूशन 25 होगा, डिविजन्स अगर 5 डिविजन्स कर ले तो 5 रेवोल्यूशंस करके हो रहा है। अभी क्या हुआ, नीचे 5 रेवोल्यूशन एक में अगर करते हैं तो वो कितना दूर जाएगा, वो 50 मीटर जाएगा, 50 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा। अभी ड्राइंग गाइस, मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे जो मतलब जो मेथड हुआ है ये डायरेक्ट कर दिया हूँ मैंने, पहले कैलकुलेशन ऑफ स्केल होता है उसके बाद ये प्राइमरी डिविजन्स का एक फैल कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर आपको मतलब वहाँ से मतलब डिफिकल्ट लगे तो आप पहले कैलकुलेशन ऑफ स्केल करके 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग इतना सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड करके मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर मीटर निकल गया हमारा 1 मीटर, तो उसके मीटर के बाद डायरेक्ट मतलब 40 मीटर निकल गया, तो उसके बाद आप डायरेक्ट 50 मीटर के लिए निकल सकते हैं। तो वहाँ से अगर आप प्राइमरी डिविजन निकालेंगे वो उतना मतलब बहुत सिस्टमेटिक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं, एक जो ग्राउंड डिस्टेंस है ना, डिवीशन है 1.25 सेंटीमीटर है, वो उसका वैल्यू है 50 मीटर, ये स्केल में निकला है। तो 1.25 लेना पड़ेगा, सो ये लिया 1 और 1 2 और बीच में 2.5। अभी जो डिवाइडर है, डिवाइडर की मदद से हमें डिवाइड करना है। अभी ये डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने कर लिया डिवीजन। अभी पहले की तरह ही ड्रॉ करते हैं, अभी ये प्राइमरी डिविजन्स को निकाल लेते हैं। सॉरी, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया, इसको मैं व्हाइटनर से रिमूव करता हूँ। अभी प्राइमरी डिविजन्स हो गए, अभी सेकेंडरी डिविजन्स की बारी।
हम लोग पास सेकेंडरी डिविजन्स करेंगे, तो उसी तरह से ऊपर एक लाइन वर्टिकली, अभी इस लाइन में डिवाइडर की मदद से पांच डिविजन्स कर लेंगे, चार पांच। तो डिवाइडर की मदद से पांच डिविजन्स कर लिए हैं, अभी सेट स्क्वायर की मदद से इसको जोड़ देंगे। अभी इसको ज्वाइन कर देंगे, देखिए जब पेन से ड्रॉ करते हैं तो उतना यूनिफॉर्म तो नहीं होता, लेकिन पेन से इसलिए ड्रॉ करता हूँ कि आप लोगों को देखने में मतलब प्रॉब्लम ना हो। अभी इसको भर देते हैं, उतना ज़्यादा नहीं किया एक्यूरेटली, सिर्फ समझ जा सके। आप लोग टाइम लेके अच्छे से करना, जब भी करना एग्ज़ाम में तो अच्छे से ही करना है। अभी इसको डिविशन्स दे देते हैं, यहाँ पे जीरो होगा, ऊपर तो हमारा मीटर स्केल है तो मीटर तो एक एक मीटर 50 है, तो 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300 मीटर। और इधर भी जीरो, इधर हो गया हमारा 50 मीटर। और यहाँ पे नीचे होगा हमारा रेवोल्यूशन, तो हमारा एक रेवोल्यूशन जो है वो 25 रेवोल्यूशन की तरफ है, मतलब 25 रेवोल्यूशन होगा अगर 31.83 सेंटीमीटर का जो रेडियस वाला जो सर्कल मतलब बाईसाइकिल का जो मतलब वो व्हील है उससे अगर 25 रेवोल्यूशन होगा तो 50 मीटर तक हम जा सकते हैं। सो 25, 50, 75 और 100, 125, 150, सो ये हमारा रेवोल्यूशन हो गया। यहाँ पर भी 25 रेवोल्यूशंस, ठीक है, ये हमारा हो गया जो है इसमें जो एक ये हो गया हमारा प्राइमरी डिविजन्स। ये जो बीच का ये जो ये छोटा छोटा है ये हमारा सेकेंडरी डिविजन हो गया, और ये जो मतलब इतना बड़ा है ये हमारा प्राइमरी डिविजन हो गया। यहाँ पे आरएफ हो गया 1:4000, यहाँ पे लिख दिया कॉम्पारेटिव स्केल, स्केल यहाँ पे लिखे ब्रैकेट में लिख दिया रेवोल्यूशन स्केल, इसको स्केल से एक बॉक्स बना दीजिए तो आपका जो मतलब ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गया। सो ये था हमारा रेवोल्यूशन स्केल। अगर कुछ भी इस स्केल के मतलब रिगार्डिंग कुछ डाउट है आप लोगों का, आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं अगले टाइम। सो तभी तक के लिए हैप्पी लर्निंग।